हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपको लेके जा रही हूँ मैं हरिद्वार गंगा किनारे। हम यहाँ दिल्ली से जा रहे हैं ऑटो में, हम ट्रेन में जाएंगे फ्रेंड यहाँ पर, यहाँ हरिद्वार। तो हम चलो शुरू करते हैं। ऑटो से हम जाएंगे पहले रेलवे स्टेशन, वहाँ से हमारी ट्रेन है। तो चलो आप हमारे साथ साथ चलो और देखिए। यहाँ हम आ पहुँचे हैं दिल्ली, नई दिल्ली स्टेशन पर। लेकिन दिल्ली स्टेशन बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा हो गया है। ये हम अपनी चेकिंग करवा रहे हैं फ्रेंड्स, बैग वगैरह चेक होते हैं, यहाँ से एंट्री हो रही है। ये हमारी चेकिंग हो गई है, चलिए आगे चलते हैं लिफ्ट में ऊपर। और फ्रेंड ये हम आ पहुँचे हैं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे। ये देखिए कितना सुंदर मौसम, बहुत सुंदर हो गया था फ्रेंड्स। रास्ते में बारिश पड़ रही थी तो बहुत मज़ा आया, ठंड लगने लगी थी बल्कि हमें तो। तो अभी हम जा रहे हैं फ्रेंड्स, हमें अपने होटल के बारे में पता नहीं था कहाँ पर है। तो हम सीधा अब जा रहे हैं, पहले ट्रेन से बाहर निकलेंगे रेलवे स्टेशन से। ये देखिए बाहर निकलते शिव बाबा जी की बहुत ही प्यारी प्रतिमा थी, लोग सेल्फियाँ ले रहे थे, मैंने बहुत अच्छा मैंने भी ऐसे ही कवर किया। एक इस तरफ एक वो दिखे सामने, दूसरी तरफ एक का मुँह बाबा जी एक तरफ है, शिव बाबा का दूसरा दूसरी तरफ है, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हमने यहाँ से ऑटो पकड़ा तो पहले भैया से पूछा कितनी दूर है, कहाँ है। तो रेलवे स्टेशन से 3-4 किलोमीटर दूर था फ्रेंड्स हमारा होटल। देखिए ऑटो पकड़ के चल दिए अब हम। ये देखिए रात का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है, रात में हरिद्वार बाबा की नगरी है, वैसी सुंदर है तो रात में और रोशनी से जगमगा उठती है। ये देखिए हम किनारे किनारे जा रहे हैं। तो फ्रेंड हमें रास्ता नहीं पता था इसलिए थोड़ा मन में टेंशन था, मौसम भी ठीक नहीं था। तो हम पहले सबसे पहले अपने होटल में ही गए, वहाँ जाना ठीक समझा क्योंकि थोड़ा दूर था। वो देखिए सामने मनसा देवी जी का मंदिर, माता का पहाड़ी के ऊपर है, वो सामने दिख रहा है। और शिव बाबा जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है यहाँ पर नदी के बीचों बीच, गंगा नदी है ये हमारी। ये देखिए रात में कितना अच्छा लग रहा है गंगा किनारे, ये गंगा के साथ साथ जा रहे हैं हम। देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग लग रही है। और ये देखिए आगे शिव बाबा जी की बहुत ही सुंदर बहुत ही बड़ी प्रतिमा जो देखने में ही बहुत सुंदर लगती है। पास तो शायद कभी हम गए नहीं है क्योंकि बीचों बीच है, तो दूर से बहुत ही बड़ी बहुत सुंदर है। ये देखिए मैंने क्लोजअप लेने की कोशिश की बट नहीं हो पाया। हम जा रहे हैं अब, ये आप पहुँचे हैं हम अपनी जगह पर जहाँ पर हमें रहना था। यह चंडीगढ़ भवन के बाहर बहुत ही सुंदर मंदिर बन रखा है। तो ये एंट्री थी फ्रेंड यहाँ से, तो हमने की वगैरह ली। ये देखिए दर्शन कीजिए, अंदर भी मंदिर बना हुआ था तो हमने अपनी की ली। और भैया हमें कुछ रास्ता पता नहीं था क्योंकि पहली बार यहाँ पे आए थे फर्स्ट टाइम। तो हमें ये वाले भैया आप छोड़ने जा रहे हैं अपने हमारे रूम तक। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी ये है भवन है, ये देखिए रूम था हमारे रहने के लायक, अच्छा था, एसी वगैरह सब था यहाँ पर, टीवी एसी सब कुछ था, बहुत ही अच्छा एरिया, साफ़ सुथरा था कमरा और बाथरूम भी वॉशरूम भी बहुत साफ था, एरिया आसपास का ही बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। ये देखिए रात को हमने खाना खाने के बाद बाहर घूमने की आइसक्रीम वगैरह खाई, तो ये रात को हम बाहर से देख रहे हैं। देखिए घूम रहे थे, हवा अच्छी चल रही थी, मौसम अच्छा था, तो हम ये इसी के अंदर अंदर घूमे। फ्रेंड्स इनके अंदर कैंटीन भी अंदर ही है, खाने के लिए आप जो खाना चाहो तो वहाँ पर थाली सिस्टम है, 100 रुपीज़ थाली है, जो मर्जी जितना मर्जी खाइए आप एक थाली में। बाहर से भी सीढ़ी है फ्रेंड्स, अंदर से भी है। देखिए आप देख ही रहे हो मौसम, हवा कितनी अच्छी चल रही है। ये ऊपर राधा कृष्ण जी का मंदिर, फ्रेंड्स हरिद्वार में मंदिर बहुत है, ये कितनी अच्छी प्रतिमा लग रही है, जुगल जोड़ी है राधा कृष्ण जी की।
का फ्रेंड, ये सुबह का टाइम था तो हम रात को सोए वीडियो बनेगी। और सुबह उठते ही हमने फिर अपना गंगा किनारे चल दिए नहाने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह साथ जाना था हमें। ये सुबह का दर्शन, सुबह का ये टाइम है, सुबह हो गई है फ्रेंड्स। हम अंदर गाड़ी पार्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, थोड़ा दूर पड़ता है बट अच्छा है जगह। यहाँ पर ये खुलिए, कोई इतना वो भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे। और ये ऑटो पकड़ के हम अब चल दिए हैं हरकी पौड़ी की तरफ। तो भैया ने हमें वहाँ पे भीम गोड्डे पे उतारा, जाकर भीम गोड्डा भीम जी ने कह रहे घुटना मार के वहाँ पानी निकाला। ये वो वाला मंदिर है फ्रेंड्स, ये देखिए ये पानी सरोवर है। यहाँ पे उन्होंने कह रहे हैं गोड्डा मार के, ऐसे बोल रहे गोड्डा मार के पानी निकाला था। ये वो है ये मंदिर, पहाड़ी है दूसरी साइड पे, ये भीम गोड्डा, इस जगह का नाम ही भीम गोड्डा। ये देखिए अंदर त्रिशूल, पानी के अंदर त्रिशूल दिख रहा है फ्रेंड्स लगा हुआ, ये बना बीचों बीच। मैंने फर्स्ट टाइम दर्शन किए, हरिद्वार तो बहुत बार गई लेकिन भीम गोड्डा कभी देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम देखा। मैंने भी देखा और आपको भी दिखा दिया फ्रेंड्स मैंने। ये देखिए ऊपर काफ़ी बड़ी चट्टान है, पहाड़ है काफ़ी बड़ा साइड पे। तो हम भीम घोड़े से फ्रेंड पैदल ही निकल लिए थे हरकी पौड़ी तरफ। ये देखिए हम चल दिए हरकी पौड़ी की तरफ, लोग नहा के, कई नहा रहे थे, कोई नहा चुके थे, कोई नहाने जा रहे थे, कोई वापस आ रहे थे फ्रेंड्स। ये नज़ारा देख के ना मन इतना प्रसन्न हो जाता है ना। ये देखिए नदी हमारी गंगा मैया, ये देखिए हम आगे, हम ऊपर चढ़ गए थे, हमारी चप्पल जूतियाँ नहीं लेके जाने दे रहे थे अंदर, तो उन्होंने वहीं पे उतरवा ली हमसे। ये ऊपर से दिखा रही हूँ गंगा मैया, लोग नहा रहे। ये देखिए कितनी बड़ी है नदी, बहुत ही सुंदर, देख के मन को इतना सुकून मिलता है ना। दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी, अभी तक यहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर गंगा।